अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है, न्यू वैकेंसी निकली है यहाँ पे, तो न्यू रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसकी एक बार कम्प्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे निकली है, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। गाइज, यहाँ पे वैकेंसी निकली है। एंड गाइज, इसकी जो यहाँ पे फॉर्म की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं, वो यहाँ पे 19 फेब से लेकर के 5 मार्च, यानी 19 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप लोग इसके फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे गाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है, तो टोटल 21 वैकेंसीज निकली है यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एंड साथ ही गाइज यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 की पोस्ट यहाँ पे निकली है। गाइज, यहाँ पे आपका ग्रेड पे भी गिवन है। अगर बात करें लेवल 4 एंड लेवल 5 की, तो यहाँ पे 2400 एंड 2800 का ग्रेड पे है। एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 की बात करें, तो यहाँ पे 1900 एंड 2000 का ग्रेड पे है। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स वाइज डिटेल्स दी हुई है वैकेंसी की, तो आप चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताया 21 है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 2 एंड लेवल 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वो 12th पास है अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स अचीवमेंट, एंड या फिर आपने 10th पास हो, आप ITI के आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट हो और आपका फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो। ये यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट के लिए है और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं 10th पास अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स अचीवमेंट, हाउएवर कैंडिडेट्स हैविंग 10th क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर टेक्नीशियन कैटेगरी। ये सिर्फ टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए रहने वाली है। एंड देयर पीरियड, जो उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो यहाँ पे 3 साल का रहेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे आगे देख लेते हैं लेवल 4 की बात यहाँ पे करेंगे। लेवल 4 के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट की हो, साथ में आपके जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो भी यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर BSc आपकी फिजिक्स से हो, या फिर आपने 12th जो हो उसके अंदर यहाँ पे साइंस हो आपके पास, या फिर आपके पास यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स हो और आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी होना चाहिए, या फिर आपने यहाँ पे 12th पास की हो विद स्टेनोग्राफी। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफी की बात करिए, स्टेनोग्राफी आपको आती हो हिंदी या फिर इंग्लिश में एज पर शेड्यूल्ड स्टैंडर्ड, जो भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 80 वर्ड्स आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ड्यूरेशन आपको 10 मिनट मिलेगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिनट्स होंगे आपके पास यहाँ पे 50। अब हिंदी की बात करेंगे तो 80, 10 एंड 65 यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिनट्स मिलेंगे। आगे देख लेते हैं लेवल 5 की बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम में, आपके पास यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑफ करंट एंड प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स विल ओनली बी टेकन, यानी कि आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो यहाँ पे आपकी या तो करंट ईयर की हो या फिर प्रीवियस 2 ईयर्स की हो, अगर आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो भी हैं वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से पहले के हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज लिमिट भी आपकी दी हुई है, जो एज आपकी जो एज लिमिट है उसकी जो रेकनिंग ऑफ डेट है वो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 है। साथ ही गाइस, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है, मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल है। आगे देख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पर है ही नहीं किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे गिवन है, नो एज रिलैक्सेशन इज परमिशेबल फॉर एनी कैटेगरी, यानी कि सारी कैटेगरीज के लिए सेम ही यही जो है आपकी एज की डेट क्वालिफिकेशन जो भी है एज की यही रहने वाला है एज का क्राइटेरिया आपके लिए। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे सिलेक्शन मोड बताया हुआ है कि भाई सिलेक्शन आपका कैसे होगा यहाँ पे, तो पहला आपको 40 मार्क्स जो यहाँ पे मिलेंगे वो आपके गेम स्किल्स के लिए मिलेंगे, जो कि आपके ट्रायल्स में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ली जाएगी कोच के द्वारा। दूसरा आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 50 मार्क्स के मिलेंगे। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे 10 नंबर रहेंगे, टोटल आपके हो गए 100 नंबर, एंड इन्हीं 100 नंबर से आपका यहाँ पे फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीस की बात करेंगे एंड फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, तो फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही गाइज यहाँ पे 500 रुपीज़ आपकी फीस पेमेंट रहेगी, एंड गाइज ये जो है आपको ये वापस कर दी जाएगी जब भी आप एग्जाम हो जाएगा आपका, मतलब उसके बाद आपकी ये जो फीस पेमेंट है आपकी यहाँ पे वापस कर दी जाएगी। एंड 250 रुपीज़ यहाँ पे फीस पेमेंट रहने वाली है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, एंड यहाँ पे ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे आपकी 250 रुपीज़ फीस पेमेंट
रहने वाली है। और ये पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी जैसे भी आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, तो ये आपकी फुल फीस वापस यहाँ पे कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आप एक बैंक एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे अनअकैडमी आप सभी के लिए यहाँ पे एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने वाला है। यहाँ पे गाइज ये एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो बैंक एसएससी और रेलवे कैटेगरी के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। गाइज टाइमिंग नोट कर लीजिए, बैंक का एग्जाम यहाँ पे 10 बजे होगा सुबह, एसएससी का एग्जाम यहाँ पे 2 बजे होगा एंड रेलवे का 5 बजे होगा। गाइज ये टेस्ट यहाँ पे 27 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे इस टेस्ट के जरिए आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पे तैयारी किस तरीके से हो रही है। गाइज यहाँ पे ये बेस्ड होगा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे और फुल लेंथ टेस्ट गाइज यहाँ पे होने वाला है। ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पे पता चलेगी और साथ ही साथ गाइज आपको यहाँ पे अगर आपके टेस्ट की प्रिपरेशन जानने के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो लैपटॉप आप जीत सकते हैं, अगर आपकी रैंक 2nd से लेके 6th के बीच में आती है तो आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं, अगर आपकी रैंक 7 से लेके 16th के बीच में आती है तो आपको यहाँ पे वायरलेस ईयरपॉड मिल सकते हैं। 400 लकी विनर्स को यहाँ पे अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलेगी एंड 300 विनर्स को गाइज यहाँ पे ₹1000 से ज्यादा की भी यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं। तो गाइज काफी अच्छा मौका है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाकर के अपने आपको एनरोल कर लेना है। एंड एनरोल करते वक्त दोस्तों अगर आपसे कोई कोड मांगा जाए तो आप PMYT कोड लगा करके बिल्कुल फ्री में गाइज 100% फ्री है यहाँ पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही गाइज यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जो होगी उसको जानने के साथ साथ आपको काफी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल सकते हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, आप जाकर के स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर लीजिए एंड अपनी रैंक जानिए और साथ ही साथ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइस आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप पर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPS, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।